देखो एक अंडा फोड़। अरे ऐसे कैसे फोड़ेगा? अरे 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 ओ माय गॉड, ये तो ये निकला, ईयरपॉड निकल आए, ये तो अनबॉक्सिंग हो गई। अनबॉक्सिंग देखिए, ये बिल्कुल एग जैसा लग रहा है भाई साहब। और ये देखिए, अब ये इसमें बंद होके ना बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा कि ये एग है। ये देखिए बिल्कुल, और ये देखिए आप, ये देखिए। ये तो मस्त लग रहा है अच्छी देखने में भी। ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे लाइट। ये देखिए, ये हो चुका है मैजिक। अगर आपको आता हो तो आप करके बताइए, चारों तरफ से देखो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये हमने कैसे खड़े किए हैं। आप कीजिए खड़ा, देखते हैं कौन कौन खड़ा कर लेता है। देखिए चारों तरफ से मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए कहीं पर भी कुछ भी इसको सहारा नहीं है, और आप खड़ा कर सकते हैं तो आप बताइए। ये कैसी कुकिंग कर रहा है भाई? दिस इज इन्वेंटेड बाय मी, शेफ आर्चिक। दिस इज नोन एज पार्टीशन कुकिंग। पार्टीशन कुकिंग हो रही है? यस। पार्टीशन करके हैं, एक तरफ प्याज भून लो, एक तरफ टमाटर भून लो। यस, लाइक इफ यू वांट स्मोक टमाटो, ओके, इट इज वेरी यू नो डिलीशियस, द स्मोकी फ्लेवर इन टमाटो, ओके, द तंदूरी फ्लेवर, ओके। यस, तो ये ऐसे बनाओ इसको। We have to burn these tomatoes until their water gets evaporated. समझ गई? बढ़िया तरह से समझ में आ गई मेरी। Yes. See this. They are now dry. अरे ये तो जल सा गया है ना? We have to make them dry. सिमो की टेस्ट है गया, ठीक है? Side by side. Okay. ये सिमो की टेस्ट है गया भैया? Yes. अरे भैया, कर दियो तने आप सिमो की टेस्ट। ये देखिए कितना खूबसूरत और कितना बड़ा फूल खिला है, और इसमें लगातार जो है ना फूल खिलते जा रहे हैं, एक एक फूल खिलता है। अभी जैसे दो तीन दिन बाद ये खिल जाएगा, फिर उसके दो तीन दिन बाद ये खिल जाएगा, और बहुत ही प्यारा और बिल्कुल न्यारा सा फूल है ये, बहुत ही प्यारा। तो इसी के साथ ही हेलो गाइज, राम राम जी, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। कैसे हैं आप? खूब अच्छे होंगे, मैं यहाँ बहुत अच्छे से हूँ। और 8 बज रहे हैं और मौसम जो है ना वो बहुत ही अच्छा हो रहा है, मतलब फ़िलहाल तो अच्छा हो रहा है। और आज होने वाली है दिन में पूरी फुल गर्मी, क्योंकि धूप बहुत अच्छे से निकल रही है और आसमान बिल्कुल साफ है, नीट एंड क्लीन। बारिश होने की भी आई थिंक संभावना नहीं लग रही है। और यहाँ ये सुदर्शन के फूल हैं जो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, और इन फूलों से प्यार किसको नहीं होगा। देखने में खूबसूरत होते हैं, खुशबू वाले होते हैं, और भी जो जीव जंतु होते हैं ना वो इनसे अट्रैक्ट होते हैं, और बहुत ही प्यारे प्यारे से ये हमारे गार्डन में कलर भी भरते हैं। तो ये हमारी इंस्पिरेशन होते हैं पौधे, हमें ये सब सिखाते हैं कि जीना कैसे होता है, सर्वाइव कैसे करना होता है। तो ये सब हमें इन पौधों से, इन मासूम पौधों से सीखना चाहिए। एक ही जगह पर होते हैं, आंधी है, बारिश है, तूफान है, तेज गर्मी है, तेज ठंड है, हर जगह सर्वाइव करते रहते हैं ये, और अपना हौसला कभी भी नहीं तोड़ते। तो इसी तरीके से हमें भी सीखना चाहिए इन पौधों से कि जीवन में हालात हर तरह के आते हैं, बट हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें जूझना पड़ जाता है कई बार अपनी ज़िंदगी से, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे कभी भी। और यही चीज़ें होती हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं जीने के लिए। तो कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, जैसी भी सिचुएशन है, जो भी है, वो हम जीने के लिए आए हैं यहाँ पर इस दुनिया में। अगर जन्म हुआ है, भगवान ने हमें जन्म दिया है ना, तो जीने के लिए दिया, मरने के लिए नहीं। तो देखिए कितने प्यारे प्यारे से फूल लग रहे हैं। और ये देखिए एलिफेंट ईयर है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये एलिफेंट ईयर है, हमारे यहाँ जो आंटी काम करती है ना, वो कल बोलने लगी कि हमें अरबी के पत्ते दे दो, तो ये बिल्कुल अरबी के पत्ते जैसे लगते हैं, बट ये है एलिफेंट ईयर। थोड़ा जहरीला पौधा होता है, बट फिर मैंने उनसे कहा कि ये जहरीला पौधा है, ये अरबी के पत्ते नहीं है, बिल्कुल अरबी जैसे लगते हैं, ये लगते हैं ना। और ये देखिए मेरी माला बार स्पिनिच कहाँ पड़ी हुई है, ये इस पर मैंने चढ़ाई थी और गिलहरी ने या किसी ने इसको गिरा दिया होगा, और इस पर देखिए किसी ने पैर भी रख दिया है। तो इसको मैं ऐसे लगा देती हूँ, इसमें ना बल चढ़ा देती हूँ, तो ये ऐसे करके ना चढ़ जाएगी ऊपर, नीचे नहीं गिरेगी ये। मतलब बंदरों को भी ना अलग अलग चाहिए, इस बेल को नहीं खाते हैं,
ये बहुत अच्छे से हो रही है, इस बेल को नहीं खाते हैं बिल्कुल भी। तो मैं सोच रही थी कि बंदर इसे खा लेंगे तो और पौधों को छोड़ देंगे। ये देखिए ये मैंने यहाँ लगा दिया है और ये यहाँ से नीचे से आ रही है, यहाँ पर दो पौधे हैं, दोनों पौधों को मैं ऊपर चढ़ा दूँगी। लेंटाना में फ्लावर्स थोड़े से कम है क्योंकि अब बारिश ज़्यादा आ रही है ना, तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ये फ्लावरिंग नहीं करता है, अपने आप को ग्रोथ करता है। तो टाइम टाइम पर कभी पौधा ग्रोथ कर रहा है तो कभी फूल दे रहा है। जब बिल्कुल गर्मी होती है तो ये पौधा फूल देता है और अपने बीज बनाता है, ठीक है। और जब बिल्कुल बारिश हो जाती है तो इसका ग्रोथ का टाइम आ जाता है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है इसकी। देखिए कितना लश ग्रीन हुआ पड़ा है ये, और बहुत ही प्यारा। और ये देखिए यहाँ पर जो मेरी कटिंग है ना उसमें आ गई हैं कलियाँ, रात की रानी है ये, बहुत सारी कलियाँ आ रही हैं, बंचेज में इसमें फूल आते हैं। तो बहुत ही मस्त वाला जो है नज़ारा होने वाला है एक दो दिन में। ये देखिए कलियों से भर गया है मेरा रात की रानी का पौधा, पूरा का पूरा कलियों से भरा पड़ा है। देखिए जहाँ भी आप नज़र डालेंगे ना वहाँ पर सारा का सारा कलियों से भरा पड़ा है मेरा पौधा, देख रहे हैं हजारों लाखों फूल होंगे एक ही पौधे में। ये देखिए पूरा का पूरा मस्त वाला, ये देखिए भाई साहब नज़ारा, अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ये मस्त आने से फूल जो है ना वो अब खिल जाएंगे, कल या परसों में खिल जाएंगे ये फूल और बहुत ही अच्छी खुशबू देते हैं। अच्छा इसकी खासियत ये है कि रात को ये फूल खिलते हैं और वो वाली जो विंडो है ना, ये वाली मेरी ये खुली रहती है, खोल के रखती हूँ मैं इसको, और इसमें से जो हवा जाती है ना अंदर, मेरा पूरा का पूरा घर महका देती है ये। तो ये खासियत है इसमें, किसी भी रूम फ्रेशनर की ज़रूरत नहीं होगी। भगवान ने आपको बिना केमिकल वाले जो है ना रूम फ्रेशनर दिए, उनको यूज़ कीजिए, यानी कि पौधे लगाइए और पौधे लगाकर अपने घर को भी महकाइए, अपने घर को डेकोरेट भी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अच्छी डेकोरेशन और कहीं नहीं होती है। ये देखिए ऊपर भी गुड़हल के फूल खिले हुए हैं और नीचे खिले हुए हैं। मैं आपसे कल बोल रही थी ना कि जो रेन लिली है ये कल तक खिल जाएगी, तो ये बड़ी वाली जो है आज खिल गई है। और यहाँ देखिए मैजिक, छोटे 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 स्टार्स से बन रहे हैं, जैसे कि कलरफुल डॉट्स जो आ रही है ना भाई, सब जब भी खिलेंगे ना नज़ारा एकदम अद्भुत होगा, जब भी खिलेंगे मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। और यहाँ मेरी तुलसी हो रही है, तो चलिए अब ले लेती हूँ मैं थोड़ी सी ग्रास। ये देखिए कितनी लंबी ग्रास हो रही है, ये देखिए एक दो पत्ते ही बहुत होते हैं और ये मुझे रखे हुए भी अच्छे लगते हैं, बहुत ही प्यारा सा। देखिए कितनी अच्छी लगती है ना घास ये वाली उगी, तो ये वाली जो घास होती है ना इसको आप पी लीजिए, आपकी पूरी बॉडी में कहीं पे भी पेन है उसको रिलीफ देता है ये। क्योंकि गर्म पानी, आप सिंपल गर्म पानी भी पियेंगे ना तो वो भी रिलीफ करता है आपको किसी भी तरह के दर्द में। तो आप ये ग्रीन ग्रास जो होती है ना उसको ज़रूर पिएं, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, पेट में दर्द है, कहीं भी है भाई साहब एक बार पी के देखिए, एक्सपेरिमेंट करके देखिए। नेचुरल चीज़ है, बिल्कुल नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो गरम गरम जैसे चाय पीते ना वैसे ही पीजिए इसे, ग्रीन ग्रास टी को। यहाँ पर मेरे से एक काम नहीं हो पा रहा, ये देखिए ये पैशन फ्लावर है और इसको कृष्ण कमल भी बोला जाता है। देखिए इसके पत्ते कितने खूबसूरत लगते हैं, डिज़ाइन देखिए इसके पत्तों का, बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन होता है। ओ यार चुया छोटे छोटे से, देखिए पत्ते छोटे भी नहीं है, ऐसे पत्ते हैं, देखिए डिज़ाइन वाले पत्ते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। और ये यहीं पर इकट्ठा हुए जा रही है, बट ये क्रीपर होती है यानी कि बेल होती है, इसको थोड़ा ऊपर मैं सोच रही हूँ कि इस वाले स्टैंड पे लटका दूँ तो यहाँ पे छा जाएगी। और जो इसके फूल होते हैं ना, जब नाम ही कृष्ण कमल रखा गया तो फूल भी अद्भुत होते होंगे इसके, तो आपको दिखाऊँगी ज़रूर जब फूल खिलेंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको बांध दूँ, लेकिन मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्यों। कोशिश करूँगी कि आज या कल मैं इसको बांध देती हूँ, कल वेडनेसडे है तो कल सोचूंगी इसको बांधने का, तो कल देखते हैं भाई साहब। ये देखिए जटरूफा ने तो भाई कयामत लाई हुई है, ये देखिए बहुत ही प्यारे और खूबसूरत फूल और बहुत ही प्यारे लगते हैं। उधर ये देखिए वो वाले जो बड़ा वाला जटरूफा है ना मेरा, वो भी बहुत ही प्यारा सा और खूबसूरत सा फूल देता है, मस्त वाला नज़ारा, बहुत मस्त वाला है। चंपा के फूल है, ये देखिए कुछ रह गए हैं एक दो, बाकी तो खिल गए हैं सारे। तो अब ये नया फ्लावरिंग देगा आई थिंक, यहाँ से ये फिर दोबारा से फूल देगा। ये बंदर ने तोड़ा था, फूल दिया। मैंने इसकी कटिंग जो है वो लगाई थी बट हुई नहीं, वो गल गई ज़्यादा बारिश के कारण, वो सारी कटिंग जो है गल गई। तो चलिए पौधे तो चलते भी रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और खूबसूरती को बखेरते रहेंगे। देखिए आसमान कितना प्यारा लग रहा है ना पौधों के बीच में, ये देखिए लग रहा है ना खूबसूरत आसमान, बहुत ही प्यारा आसमान, वाओ। ये देखिए ये वाले फ्लावर्स अभी भी चल रहे हैं मेरे, परसों के मैंने निकाले हैं ये और अभी भी चल रहे हैं। इसमें से ये ख़राब हो गया तो इसे मैं निकाल देती हूँ, ये वाला देखिए
ये वाला खराब हो गया है तो ये निकाल दिया है, ये भी खराब हो गया है, ये वाला भी मैंने हवाओं में बहे, दो ग्लास है जो घटाओं में अच्छे से चल रहे। तू बरखा मेरी मैं तेरा बादल पिया। तो भाई मैंने अपना ये टफंड ग्लास हटा दिया इसके ऊपर से, क्या बोलते हैं इसे, स्क्रीन गार्ड नहीं, और ये है बॉडी गार्ड मेरे फोन का। मैंने इसको हटा दिया, देखिए इसको ना चूरा चूरा हो गया इसका, और ये हाथों में चुभने का डर लग रहा था। तो आर्चिक कर रहा था आलस, आज मैंने निकाल के फेंक दिया, अब जाएगा ये। जाओ भाई साहब लेकर आओ, खड़े हो जाओ, अब लेकर आएंगे भाई साहब मेरा ये दूसरा स्क्रीन गार्ड। हाय गाइस, राम राम जी, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। कैसे हैं आप, खूब अच्छे होंगे। मैं यहाँ बहुत अच्छे से हूँ, सारा काम हो गया है, किचन का भी हो गया है, कपड़े भी हो गए, झाड़ू बर्तन कपड़ा लगता सब हो चुका है, डस्टिंग हो चुकी है। अब हूँ फिलहाल मैं एकदम फ्री, और अब करने वाली हूँ मैं थोड़ी देर रेस्ट, क्योंकि सुबह से काम लगे 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 12 बज गए हैं, और अब मैं करूँगी थोड़ी सी देर रेस्ट, उसके बाद देखते हैं कि हम क्या करें। आज लंच भी तैयार पहले ही कर दिया मैंने, आलू केले की सब्ज़ी बना दी थी, मतलब लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ हो गया, आज मेरा ब्रंच हो गया, और बस अब अनिल आएंगे खाना खाने के लिए, तब तक के लिए मैं वेट कर रही हूँ और लेटूंगी आराम से, मौज करेंगे मौज। ये देख रहे हैं ना आप इतनी बड़ी रोटी, क्योंकि मेरा बहुत सारा आटा आज खराब हो गया, और ये रोटी मैंने बना दी बहुत बड़ी कि कोई गाय या कुत्ता बिल्ली जो भी है वो खा लेंगे। और नीचे देखिए ये छोटी छोटी रोटियां जो हमारी बच जाती है ना वो है। चलिए मैं शॉप पर आ गई हूँ, बाद में बात करती हूँ। ले खा ले, भैंसे के लिए बनाई थी रोटी, खा खा। अबे कुत्ते, कुत्ते के लिए है, तेरे लिए नहीं है, जर्मन शेफर्ड के लिए नहीं है। बाहर कुत्ते के लिए कही थी तेरे से, रोटी डाल दे, डाली क्यों नहीं, वहां नहीं गया जब से, उसके बाद कुछ टाइम ही नहीं मिला तुम्हें। पता नहीं बातें ये कभी ना, कौन से गेम खेल रहा तुम, भूलना तेरे जैसा दिखता नहीं।
पूरे दिन गेम, पूरा दिन पूरे दिन गेम। मैं तेरी लाइव स्ट्रीम में बैठी थी तब, जब तुम स्ट्रीमिंग कर रहे थे, क्या कर रहे थे। मैंने तुम्हें कमेंट्स भी किए थे ये बताने के लिए कि बेटा मैं यहाँ हूँ। किसने आपको ब्लॉक कर दिया पता है? किसने? दुष्की ने। अच्छा ये बात। कितने मस्त पौधे लग रहे हैं। और ये देखिए, जिसका मुझे था इंतजार वो कली आ गई। ये कली आ गई है भाई साहब, इसमें बहुत दिनों से इंतजार कर रही हूँ मैं इस कली का, कि इसमें फूल कब आएंगे। बट अब आई है ये कली, और जब इसमें फूल खिलेगा तो बहुत ही प्यारा सा ब्लू कलर का फूल खिलेगा, बहुत ही प्यारा। जब इसको लेकर आई थी ना मैं, बहुत छोटा सा पौधा था, और अब इसका आकार देखिए कितना घना सारा हो गया। ये देखिए कितना घना हो गया, ऊपर भी चढ़ रहा है, यहाँ तक है इसका। ये देखिए ये जा रहा है यहाँ पे, ये पीछे इधर, और आई थिंक नहीं, ये भी कली नहीं है, ये भी पत्तियाँ, एक ही कली है ये बस इसमें। बट कोई बात नहीं, मैं आपको एक ही कली दिखा दूंगी, जो ये कली कल खिल जाएगी आई थिंक, और खिलेगी तो अच्छा लगेगा। बहुत ही प्यारा सा फूल था जिसे देखकर मैं इसे लेकर आई थी, बहुत छोटा सा पौधा था ये। और इसकी पत्तियों की शेप देखिए आप, कितनी अच्छी सी शेप है इसकी, थोड़ी सी एरो शेड से में शेप में है, तो अच्छा लग रहा है इसको देखना भी। ये देखिए ये सुबह से और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं अब, और ये दो फूल खिले, दो फूल आई थिंक कल खिल जाएंगे ये रेन लिली के, और इसमें तो कल भाई साहब बाहर आने वाली है, मस्ताना एकदम मस्त वाला सीन होगा कल जब इसके फूल खिलेंगे। इसको देखिए आप, कितना बड़ा आकार हो चुका है, पूरा फुल ब्लूम पे है ये। कितना प्यारा और कितना क्यूट लग रहा है ये फूल, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। जब हम इसको उसमें फ़ोन में दिखाते हैं ना, कैमरे के आगे ये नहीं दिखाई देता इतना अच्छा, बट जो ओरिजिनल जब हम देखते हैं ना, तो कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, मतलब वर्ड्स नहीं होते हैं भाई साहब। भाई साहब शाम के 5 बज रहे हैं और इसमें दिखा रहा है ये 10:45। तो गाइस आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर बनता है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ऑल पर क्लिक कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना, हर बार की तरह मैंने उल्टा ही बोला है अब भी, तो प्लीज़ 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 मेरा चैनल लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।